हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से, और मेरी छोटी वाली बेटी को ना इतना तेज़ फीवर था कि मतलब बहुत ज़्यादा, और इस टाइम ना कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया ना कि उसके एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दिए और रात भर ना सुबह के 6 बजे तक उसको पट्टियाँ रखी हैं। अब जाके उसका फ़ीवर ना हल्का हुआ है, मतलब अब जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ है कि ठीक है भाई, अब उसका फ़ीवर उतर गया है। और यहाँ पे और बेटी को भेज दिया था स्कूल नहा धो के, और फिर अब मैं बना रही थी बैंगन कट करूँगी, मुझे बनाना है बैंगन का भरता। और मैं, बहुत से लोग ना इसको ऐसे ही डायरेक्ट गैस पे मतलब वो करके रोस्ट टाइप से और फिर बनाते हैं, लेकिन पता है बैंगन में इतने कीड़े होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, बाहर से इतना इतना अच्छा दिखेगा और अंदर से इतने कीड़े होते हैं इसमें। तो मैं तो हमेशा से ही ना इसको कट करके और लंबी लंबी स्लाइसेस करके ना तब उसका बैंगन का भरता बनाती हूँ। और जब उसमें मतलब कुकर वगैरह में आप बनाते हो या कढ़ाई में भी बनाते हो तो वो पक जाता है इजीली, है ना, अच्छा बन जाता है ऐसे भी। तो इससे क्या होता है ना कि पता है बारीक बारीक स्लाइसेस भी हम काटते हैं ना, तो उसमें भी कीड़े निकलते हैं। तो मतलब इस वजह से ना मैं इस तरीके से ही कट करती हूँ हमेशा, और अभी मैं इसकी और भी बारीक बारीक स्लाइसेस करूँगी। तो अभी तो मैं मोटी मोटी करके मतलब देख रही थी कि कीड़े तो नहीं है, उसके बाद मैं इसकी बारीक बारीक कर लूँगी, क्योंकि अंदर भी कई बार होते हैं। और देखो यहाँ पे आपको दिखा ना, तो ऐसे ही मैं बोल रही थी कि एक एक स्लाइस में देखना पड़ता है कि कीड़े तो नहीं है, इसलिए ही मैं बोल रही थी। और वरना तो ना पहले जब पुराने, जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे मैं देखती थी कि हमारी दादियाँ भी और सब लोग ना ऐसे चूल्हे पे भून के और फिर भरता बनाते थे, तो वो बहुत टेस्टी लगता था। और उस टाइम थोड़े से ना कीड़े वगैरह भी कम ही होते होंगे, पता नहीं, आजकल तो दवाइयाँ इतनी लगा देते हैं सब्जियों में और इतनी ख़राब सब्जियाँ हो जाती हैं ना, कीड़े वीड़े और ये सब, और बहुत मोटे मोटे कीड़े थे इसमें। बाहर से देखने में एकदम अच्छे लग रहे थे लेकिन अंदर कीड़े भी निकल रहे थे। तो मैंने इसी वजह से ना सारे बैंगन लेके बैठ गई थी कि रोज़ रोज़ का वो ही ख़त्म, आज इनको सबको बना दूँगी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है एक्चुअली भरता बैंगन का, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे खाना ही है। तो इसे बहुत सारे अच्छे से मतलब इसको बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी भी लगता है। चलो जी कर लेते हैं अब इसको फटाफट तैयार। उसके बाद बेटी के लिए तो सुबह बनाए थे वही आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी बेटी के लिए, तो वो उसी से खा लेगी आके स्कूल से, अगर उसको खाना होगा। और बाकी कल की भूजी भी रखी है। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं खिला रही थी खाना, और हस्बैंड को खिलाने के बाद देखती हूँ बेटी नहीं उठेगी तो मैं भी खा लूँगी। होता क्या है, जैसे ही खाना बनाते हो ना तुरंत बेटी उठ जाती है। तो यहाँ पे भैया शाम का टाइम है, आज सुबह ना टाइम नहीं मिला क्योंकि फ़ीवर हो रहा था ना बेटी को, तो अब कपड़े धोए हैं शाम को। इस रात का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ खाने में साग। तो मैंने ये मतलब जो खराब खराब होता है ना वो अलग निकाल दिया है, अब इसको धो के अच्छे से साफ पानी में फिर इसको कट करूँगी फिर से धो के, और इसको फिर कुकर में चढ़ा देंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं फिर इसको तड़का वड़का लगाएंगे अपना बढ़िया। तो जो अच्छा अच्छा साग था ना वो क्लीन करके मैं इसको कट करके चढ़ा दूंगी कुकर में। यहाँ पे साग का तड़का रेडी कर रही हूँ, साथ ही साथ साग भी उबल रहा है, आलन दे दिया था मैंने। तो यहाँ पे साग भी बॉईल हो रहा था, और मैंने इसके ऊपर ना ये प्लेट इसलिए ढकी हुई है क्योंकि इसकी छींटे ना बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत तेज़ लगती हैं, मतलब जहाँ भी हाथ वाथ पे गिरती है ना एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट करती हैं हमारे हाथ मुंह जहाँ भी लगती हैं। तो इस वजह से मैंने
इसको जो है कवर कर दिया था। साथ ही मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, सारे मसाले भी ऐड कर दूंगी। हम लोग ना अवॉइड करते हैं बहुत ही ना के बराबर, या कोई गेस्ट के लिए खाना बन रहा है तो हम लाल मिर्ची का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत कम, आपने देखा होगा मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। हरी मिर्ची, गरम मसाला, क्या बोलते हैं, हींग वगैरह, हींग तो ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मैं ना अदरक को कद्दूकस में वो करके और थोड़ा सा वो भी ऐड कर दूंगी। बाकी सूंट भी डाल सकते हो आप अगर आपके पास है तो इससे क्या है कि फिर ये नुकसान नहीं देगा, रात में कई बार होता है ना नुकसान देता है। तो यहाँ पे हमारा साग अच्छे से बॉईल हो गया, इसमें तड़का वड़का लगा देते हैं। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज ना थोड़ी सी मक्का की रोटियाँ भी बनाऊँ, मतलब मन कर रहा था काफ़ी तो चलो देखते हैं। मेरे खाने का तो ऐसे ही है बस, अभी बेटी ना थोड़ा सा रो रही थी तो हस्बैंड को बोला है कि तुम देख लो थोड़ा सा, मैं खाना प्रिपेयर कर दूँ, तुम्हारा डिनर रेडी कर दूँ, इन दोनों को खिला दूँ, उसके बाद फिर मैं भी देख लूँगी अपना। मुझे भी भूख लग रही थी। यहाँ पे मैं मक्के का आटा का डो बनाने का ट्राई कर रही हूँ। आई एम नॉट प्रो, मतलब मुझे ना मक्का का और ये सब बाजरे की रोटियाँ मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती, बट फिर भी मैंने ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मक्का का आटा लगा दिया था, सैलेड कट कर दी थी, और हस्बैंड को ये मूली वगैरह बहुत पसंद है साग वगैरह के साथ ना, बेटी को ये सुबह वाली सब्जी से दे दिया क्योंकि वो साग नहीं खाएगी। यहाँ पे तवे पे मैं रोस्ट कर रही थी जीरा, और साथ में हींग और साथ में काला नमक डालूंगी, छाछ मट्ठा जो आप बोलते हैं उसमें, तो हस्बैंड को लेना है वो साग के साथ, अच्छा टेस्ट आता है उससे, मतलब मक्का की रोटी, सरसों का साग, साथ में मट्ठा दही जो भी हो तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। मैं तो नहीं लूँगी रात में मट्ठा वगैरह, वैसे भी अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर क्योंकि बेटी के लिए। यहाँ मैं देसी घी का मक्के का पराठा बना रही थी और फिर भी ठीक बन गया, टूटा नहीं, मतलब मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, बट ठीक है बन गया, जैसा भी है, मतलब हमारा काम चलाओ तो हो ही गया। बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, मतलब अगर हमें मन कर रहा है तो मुझे लगता है मैं बना सकती हूँ तो यहाँ बना के हस्बैंड को सबसे पहले प्लेट लगा के दे दूँगी और फिर बेटी को मैं ले लूँगी और हस्बैंड खा लेंगे आराम से, उसके बाद देखती हूँ। तो यहाँ जी हस्बैंड की थाली लग गई है, साथ में मैंने सुबह का बैंगन का भरता भी रख दिया था क्योंकि वो बहुत टेस्टी बना था, तो हस्बैंड ने बोला कि वो भी दे देना, वो भी मैंने दे दिया। साथ में ये है ये मट्ठा, सैलेड और मक्के की रोटी, सरसों का साग, मुझे लगता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ मक्खन है अगर आपके पास तो वो भी आप ले सकते हो। देन यहाँ पे देखो बेटी बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी थी तो मैं उसको लेके बैठ गई थी, फिर थोड़ी देर के लिए हस्बैंड को दिया और जैसे तैसे करके ना एक रोटी बना के जल्दी से फटाफट खाई ऐसी भागते भागते। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ तो ना, कि जब भी मुझे लगता है ना कि आज बहुत टेस्टी चीज़ बनी है तो आज अच्छे से खाऊंगी, मतलब बैठ के आराम से, है ना, लेकिन उस दिन ही ऐसा होता है कि नहीं खा पाती। चलो कोई बात नहीं, पहले हमारा बच्चा प्रायोरिटी पे है, बाद में खाना वाना तो सब बाद में है। तो चलो जी, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और जी आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। रात के ना 12 बज गए हैं गाइस लिटरली, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्या ही कर सकते हैं, छोटा बच्चा है ना, कुछ कह भी नहीं सकते। तो चलो अब इसे सुलाती हूँ और फिर मैं भी सोऊंगी, और ये बात बना रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।